हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति और आप देखते हैं मेरे चैनल पर ट्रैवलिंग कैंपिंग एडवेंचर रिलेटेड वीडियोस। और गाइस, हम निकल रहे हैं लखनऊ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फ्लावर वैली के लिए। और जो हमारा रूट रहेगा वो बरेली से होते हुए नैनीताल होते हुए जाएंगे हम लोग। और आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको वीडियोज़ के थ्रू मिल जाएंगे। और हम रुके हैं ओक शैडो स्नैक्स एंड मैगी पॉइंट। यार, कभी कभी लोग कहते हैं पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या खाई, और पहाड़ों में पेट खराब हो जाए तो कहाँ जाएं फिर। नहीं, ये रेड नहीं, ये ब्लैक वाली है हमारी गिलहरी। लुक एट आवर गिलहरी, मस्त तैयार होके और क्या खतरनाक लग रही है। यहाँ से दिखा देती हूँ एक बार इसका, एक आपको ये एंगल भी दिखा देती हूँ। नहा धो के आई थी और अब इसकी हालत देख लीजिए क्या हो गई है। ये है रोड, ये है कुछ इस तरीके का व्यू। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं चामोली उत्तराखंड में और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये खतरनाक व्यू। जरा एक क्विक रिव्यू ले लो पहले व्यू का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। जब हम लोग आए थे तो इतनी तेज़ धूप थी, लेकिन अचानक ही बहुत बारिश होने लगी तो हमने यहाँ पर होटल लिया है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी प्लान कर रहा है तो मैं ये कहूँगी कि आपके स्टे करने का जो भी सीन रहेगा उसको पहले से क्लियर कर लेना, क्योंकि एकदम से वेदर ख़राब होता है तो फिर स्टेज वगैरह के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हम लोग बाइक से हैं तो थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन फाइनली हमें बहुत अच्छा स्टे मिल गया है। और बाकी हम चलते हैं फिर, अभी हम चामोली पहुंच गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो बद्रीनाथ है और अप्रोक्स यहाँ से 130 या 140 किलोमीटर रह गया है, जो कि हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। सो आगे के अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। हाय करो, ये है इस होटल का डोरमेट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेड्स आपको मिलेंगे, ऊपर नीचे बिल्कुल हॉस्टल वाली फील है एकदम। और अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अपने कपड़े, आते ही अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। हम तो ऐसे करने लगते हैं जैसे हम मौसी के घर आए। ये भी हमारे कपड़े, ये भी हमारे कपड़े सूख रहे। और हम लोगों ने ये दोनों बेड सिलेक्ट किए ऊपर के साइड का, मस्त प्राइवेसी में सोएंगे आराम से। पीछे उधर टीवी भी है और यहाँ पे ये बहुत सारे बेड्स हैं। और हमने तो इस हॉल में, हमने इस हॉल में ऐसा मस्त कब्जा जमा रखा है। हमने सिर्फ दो बेड लिए हैं वहाँ पे ऊपर वाले, लेकिन हम रिटर्न ऐसे कर रहे हैं कि हमने पूरा हॉल ले लिया है। सो गाइस, मैं आपको जो बेसिक, मतलब बेसिक नहीं बोलूँगी, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इनका होटल है तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। मतलब आप पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो वो भी है, डोरमेट्री का भी सिस्टम है। बट डोरमेट्री में ये रहेगा कि आपका ना जो वॉशरूम रहेगा वो एक सिंगल वॉशरूम हॉल में रहेगा, और अगर आप पर्सनल रूम लेते हो तो उसके जो वॉशरूम्स है वो तो आपको पता है अटैच ही मिलेंगे। तो बस इतना सा है यार, लेकिन बस क्योंकि हम बाइक से ट्रैवल करते हैं तो हम हमारा टेंट वगैरह जो भी है सब कैरी करते हैं, लेकिन एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और हमें टेंट लगाने की जगह नहीं मिली, तो इसलिए हम ढूंढते हुए आए और हमें ये दिखा। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, मक्कार चीज़ आपको, हमने एक होटल दिखा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने जो रेट बताया वो हमें बताया था कुछ 2000 से लेके 2200 के अप्रॉक्स, 2400 तक का भी रूम था उनके पास। तो क्योंकि हमारे ये बहुत लंबा ट्रिप होने वाला है तो हम इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारी टेंट ही कैरी करते हैं हमेशा यूज स्टे करने के लिए। बारिश के चक्कर में हमको कोई जगह नहीं मिली अपना कैंप लगाने के लिए,
तो इसलिए जब हम यहाँ पर आए तो हमने इनसे पूछा, तो इनके जो रूम की स्टार्टिंग है वो 1000 रुपये से स्टार्ट है, और ये जो डोरमेट्री वाला सिस्टम है ये आपको 300 रुपीज पर बेड के हिसाब से चार्ज करेंगे। और वॉशरूम का सीन मैंने आपको बता दिया, ऊपर प्रॉपर डाइनिंग हॉल है तो वहाँ पे खाना वाना भी आप खा सकते हो। और इसके जो बुकिंग है या कैसे बुक करना है जो भी कॉल डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी आता है। तो आप प्री बुक करके आओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम आपको ऐसा मज़ा देता है कि अभी धूप है तो फिर अभी शाम है तो फिर अभी बारिश है तो अभी तूफान है ये, तो इसलिए पहले से प्री बुकिंग करोगे तो सही रहेगा। ओके, तो बाकी सारी अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी।